खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि गुप्ता, खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। ऋषिकेश में रेस्टोरेंट में कार्यकर्ता रोसैया में रूढ़िकर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बता दें कि 30 मार्च को घर जाते समय रूढ़िकर में प्रशासन ने किया था क्वारंटीन। स्थानीय प्रशासन में मचा हड़कंप, रेस्टोरेंट में 7 कर्मचारियों को किया क्वारंटीन। आइए देखते हैं उत्तराखंड से तरसेप सिंह तोमर की यह रिपोर्ट। ऋषिकेश में चंद्रभागा पुल के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में कार्यरत रसोईया रुड़की में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन, पुलिस और मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्टोरेंट में रह रहे 7 कर्मचारियों से पूछताछ की, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। खून के नमूने भी लेकर जाँच के लिए भेजे जाने की बात कही जा रही है। एहतियात के तौर पर फिलहाल सभी कर्मचारियों को बाईपास मार्ग स्थित एक सरकारी बिल्डिंग में क्वारंटीन किया गया है। SDM प्रेमलाल ने बताया कि रसोईया 30 मार्च को ऋषिकेश से अपने घर हाथरस के लिए निकला था, जिसे उसी दिन ही रुड़की प्रशासन ने पकड़कर क्वारंटीन कर दिया था। अभी अभी संज्ञान में आया कि जो काना होटल है ऋषिकेश में चंद्रभागा की चंद्रभागा पुल के पास में, तो वहाँ पे एक हरि सिंह नाम का लड़का था और वो यहाँ काम करता था। लॉकडाउन के अंदर वो यहाँ था, लेकिन वो 30 मार्च को यहाँ से मूवमेंट कर चुका था रुड़की के लिए, और रुड़की उसको रिलीफ कैंप में रखा गया था। और उसका जो है ये संज्ञान में आया कि उसका पॉजिटिव वहाँ पर पाया गया। इसको लेकर के हम लोग प्रॉम्प्टली जो है यहाँ पर आए, और यहाँ पर 7 लड़के और हैं उसके साथी। इन लोगों को हम लोग अभी तुरंत क्वारंटीन कर रहे हैं, मेडिकल टीम आ रही है, और हमारा जो गढ़वाल मंडल का क्वारंटीन के लिए तैयार किया गया गढ़वाल मंडल गेस्ट हाउस को भारत भूमि वाला था, उसमें इनको क्वारंटीन करेंगे। सर 30 मार्च के बाद, वैसे तो संभावना ये है कि 30 मार्च के बाद 18 हो गया, तो ये भी हो सकता है कि वो वहीं इन्फेक्टेड हुआ, या कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसी सस्पिशन को लेकर के कि चाहे कुछ भी हो, चाहे वो वहाँ इन्फेक्टेड हुआ चाहे यहाँ हुआ, कुछ भी है, तो जो उसके साथ के बंदे हैं हम तुरंत इसीलिए उनको क्वारंटीन कर रहे हैं कि कहीं जो है ये लोग भी जो है इन्फेक्ट ना हो और उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, तो इसलिए इनको क्वारंटीन किया जा रहा है। मेडिकल की टीम भी सर आपके साथ आई थी? मेडिकल की टीम अभी नहीं आई है, वो आ रही है। मेडिकल की टीम आएगी और हम लोग इनको ले जाएंगे और क्वारंटीन।